नमस्कार दोस्तों, मैं गुंदरमा अपने YouTube चैनल पेंट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आपके लिए मैं खास वीडियो लेके आया हूँ, अपेक्स अल्टीमा का टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट एशियन पेंट्स का जो है बाहर के लिए वाटर प्रूफ प्रोडक्ट जो है अल्टीमा स्ट्रेच। इसकी खासियत बताऊंगा, आपने अल्टीमा का नाम तो सुना ही है, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है एशियन का अल्टीमा। तो उसमें एक नया वेरियंट काफ़ी टाइम से लॉन्च हुआ हुआ है, हमने वीडियो नहीं कवर की थी, एक अल्टीमा स्ट्रेच। अल्टीमा स्ट्रेच के बारे में कुछ खासियत शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, बहुत ही रिसर्च करके कंपनी ने प्रोडक्ट निकाला है। अगर हम इसके फायदे की बात करते हैं तो देखो, स्ट्रेच के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कुछ स्ट्रेचपन रहेगा, तो वो स्ट्रेचपन के बारे में बात करता हूँ। जैसे आप पेंट करते हैं, जैसे नॉर्मल आप अल्टीमा लगाते हैं, नॉर्मल आप अपेक्स लगाते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा। देखो, जब आप पेंट कराने कुछ टाइम बाद, जैसे 6 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, जब बारिश आती है, धूप लगती है, तो कुछ एक क्रैक्स पड़ जाते हैं। आप देखते होगा, आपने जैसे ये वॉल है आपकी, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ब्रीक सी लाइन ऐसी डल जाती है, तो वो चीज को कवर करने के लिए एक पेंट के अंदर फ्लेक्सीबिलिटी डाली है। आपको मैं वीडियो शो करता हूँ कैसे फ्लेक्सीबल वाली हो, मतलब देख सकते हैं, फिर एक फोटो आ रही है आपके पास। वो फ्लेक्सीबलपन आपको क्या करता है कि वो एक लाइनें आपको नहीं ला देगा, और जो आपकी जो क्रैक बीजिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि पेंट कराया ताजा ताजा और उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं पेंट के अंदर, तो वो क्रैक को फिल करने के लिए इन्होंने ये फ्लेक्सीबल पन इसके अंदर डाला है, इस पेंट मटेरियल के अंदर, तभी इसका नाम स्ट्रेच रखा गया है। तो आपको फर्क पता चल ही गया होगा कि आप अपेक्स लगा रहे हो, अपेक्स एडवांस लगा रहे हो, अपेक्स शाइन लगा रहे हो, तो इसमें क्या फर्क है। तो यही फर्क इसका सबसे इसकी खास क्वालिटी है स्ट्रेच पन की। अब बात करते हैं इसकी चमक कैसी होगी और फिनिश कैसी होगी। देखो, इसकी जो फिनिश आने वाली है वो रिच शीन आने वाली है। रिच शीन का मतलब है कि नॉर्मल चमक आपको साइड से देखने को मिलेगी। अच्छा वेदर प्रोटेक्टेड ये प्रोडक्ट है, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, इसमें कोई धूप का और पानी का कोई इसमें असर नहीं होता है। काफ़ी मतलब इसकी अगर देखें तो नॉर्मल अल्टीमा की लाइफ भी 7 साल है, इसकी भी लाइफ 7 साल देती है कंपनी। इसके लिखा भी है, क्रैक बीजिंग इसके डब्बे पर भी लिखा हुआ है, और डर्ट पिकअप रेजिस्टेंस। डर्ट पिकअप रेजिस्टेंस का मतलब है कि इसको डर्ट जो पिक करता है ये इतनी जल्दी डर्ट को पिक नहीं करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है। जैसे आप, मैं गाड़ियों की वीडियोस बनाता हूँ, अगर कोई हम चीज़ तेल वाली गाड़ी पे लगाते हैं, जैसे हमारे मुंह पे भी तेल कई बार आता है तो एक डस्ट पकड़ता है, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है, ये डस्ट को इतनी जल्दी पिकअप नहीं करता है। अगर इसने डस्ट पिकअप करी भी है तो वो पानी डाल के आप साफ कर सकते हैं, इसमें वही फिनिश आपको दोबारा मिल जाएगी देखने के लिए। तो ये तो एक तो इनकी इसकी क्वालिटीज थी। अब इसकी और क्वालिटीज में बात करूँ तो ये जो प्रोडक्ट है टोटली एल्गी प्रूफ है। जैसे आपने देखा होगा कई बार नीचे नीचे काई आ जाती है, तो वो काई भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। सबसे इसकी खास बात अल्टीमा की ये रहती है, इसमें लिख तो नहीं रखा है बट इसकी अगर डाटा शीट को आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ मेंशन है। अगर हम इसकी बात करें कवरेज की, देखो कवरेज सारों की सेम रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसकी क्या इसमें क्या किया गया कवरेज में। कवरेज इसकी वही 55 से 60 स्क्वायर फुट के 2 कोट में रहती है, और अगर हम इसमें पानी डाइल्यूशन की बात करें तो 40% आप इसमें डाइल्यूशन डाल सकते हैं पानी। कंपनी कहती है स्प्रे से कर रहे हो तब भी 40%, ब्रश से कर रहे हो तब भी 40%, और रोलर से कर रहे हो तब भी 40%। देखो रोलर, अब रोलर में कहीं काफ़ी सारी वैरायटीज एशियन की आती हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि इसमें दाना आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, तो एक अच्छा रोलर यूज़ करें बाहर की फिनिशिंग के लिए, अंदर के लिए भी स्पेशल रोलर आते हैं। तो ये तो थी अल्टीमा की क्वालिटीज और कवरेज की बात, हमने बात बताई। तो ये इसकी पैकेजिंग है 4 लीटर वाली, ऐसे ही इसका 10 लीटर पैक में आपको अवेलेबल है और 20 लीटर पैक में आपको अवेलेबल है। हाँ, और दूसरी इसमें खास बात यह है कि कंपनी ने इसकी फॉर्मुलेशन जो एग्जैक्ट फुल फॉर्मुलेशन है बिना जुगाड़ करे वो 1500+ शेड्स के साथ ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हम मशीन से टिंट कर सकते हैं 1500 कलर्स को, प्लस अगर हम इसकी रेट की बात करें तो वही 550 के आसपास, इसको रेट में 550-550 के आसपास रेट में मिल जाएगा आपको 1 लीटर का पैक, यही इसका एवरेज रेट रहता है। देखो मार्केट में बहुत सारी क्वेरीज आती है रेट के रिगार्डिंग, अगर हम रेट के रिगार्डिंग की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया का जो रेट है ना वो अप डाउन रहता है, क्योंकि कई बार हरियाणा के अंदर स्कीम्स कम आती हैं या ज़्यादा आती हैं, दिल्ली के अंदर कई बार ज़्यादा आ जाती हैं, तो वो चीज़ों की वजह से थोड़ा अप डाउन रहता है रेट्स का, 100-200 रुपये का फर्क रहता है, बट इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता है ओवरऑल अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, क्योंकि कंपनी की DPL ऑल ओवर द इंडिया सेम है। तो यही अल्टीमा स्ट्रेच के बारे में थी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ मैंने आपको बोला भी था लास्ट में कि एक नया सरप्राइज आने वाला है, उसके थोड़े से अभी पेंडिंग है थोड़ा सा काम, शेड कार्ड्स थोड़े अभी मार्केट अभी मेरे पास आए नहीं है,
जब शेड कार्ड तुरंत आ जाएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।